अब उस सब आ गए। हमारे मुल्क में बहुत कम ऐसी एजेंसीज होंगी जिनका ये एफिशिएंसी लेवल हो या जिस पे पब्लिक ट्रस्ट इतना ज़्यादा हो। फ्लड्स हों, फायर इमरजेंसी हों, अदरवाइज कोई एक्सीडेंटल इमरजेंसीज हों, सबको बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। यूनिक किस्म की एक इमरजेंसी थी पूरी दुनिया की तारीख में। और हमारे बाकी जिस तरह से मेडिकल के प्रोफेशन से वाबस्ता जो लोग हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन सब की तरह बल्कि उन सब से बढ़ के इसमें हमारी इस 1122 की जो इमरजेंसी सर्विस है, इधे अगेन प्रूव्ड, इन्होंने अपनी वर्क को फिर साबित किया। और फ्रंट लाइन सोल्जर्स के तौर पे, चाहे वो हॉस्पिटल्स के अंदर डिसइंफेक्शन कम्पेन हो, पेशेंट्स की शिफ्टिंग हो, बैरियल हो, जो कि बड़े मुश्किल काम थे और एक बिल्कुल एक नॉवल किस्म की एक इमरजेंसी थी जिसको कोई रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं किया जा पा रहा था, तो इन्होंने दोबारा से एक दफ़ा साबित किया कि एक बड़ी डिसिप्लिन और एफिशिएंट फोर्स है हमारी, जो किसी भी किस्म की सिचुएशन को डील करने के लिए हर वक्त तैयार है। हमारे लिए एक चैलेंजिंग असाइनमेंट आ रही है, वो ज़ाहिर है ईद उल अज़हा के हवाले से है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी डाउनवर्ड ट्रेंड्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसमें एनिमल्स की ट्रांसपोर्टेशन होनी है, सेक्रीफाइशल एनिमल्स के लिए पॉइंट्स बनने हैं हमारे स्पेशल, और मवेशी मंडियाँ जो लगनी हैं, तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम एक जामिया पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं जिसमें जितने SOPs जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इशू किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और उसमें अगेन बड़ा मेजर रोल होगा बाकी साहब का और इनकी सारी टीम का कि वहाँ पे लोगों को और जो ट्रांसपोर्ट शिफ्ट कर रही होगी एनिमल्स को, उनको बकायदा डिसइंफेक्ट भी किया जाए और बाकी जितने भी हैं उन पर SOPs पे अमल जरूर करवाएगा। इमीडिएटली तो मानसून के हवाले से अर्बन फ्लडिंग का हमें इशू होता है। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप ऑलरेडी बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमारे सीवरेज सिस्टम्स के कुछ इशूज़ हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स उस हवाले से कुछ चल रही हैं जो इंशाल्लाह हो जाएंगे कवर, लेकिन वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसको अब्जॉर्ब कर सके। तो सबसे पहले तो मानसून से हमें होता है इसका अर्बन फ्लडिंग का इशू होता है कि पानी खड़ा हो जाता है मुख्तलिफ एरियाज़ में जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं, उसके लिए प्रिपेयरनेस लेवल हमारा ठीक है। मैंने खुद जाके इनके पंपिंग स्टेशन वगैरह भी चेक किए हैं मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन की और बाकी जितनी सारी हमारी DMAs हैं उसके लिए। और जो फ्लडिंग है, अगर वो होती है रिवर्स में पानी अगर ज़्यादा आता है, तो उसके लिए भी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं इन्होंने 1122 ने और बाकी सब एजेंसीज ने सारी अरेंजमेंट इन प्लेस रखी हुई है। आपने उसकी एक डेमोस्ट्रेशन देख भी ली होगी। तो इंशाल्लाह, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो, लेकिन अगर होती है तो हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। मैं इसको चेक करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन वापस बेसिकली वो जाने का जो इशू होता है वो इस तरह से वापस नहीं जाता। वो जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है तो जिस स्कीम में भी जो पैसे रह जाते हैं वो लैप्स हो जाते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिर वो आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा वापस आएंगे। मसलन पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितने थे और अब कितने? अच्छा, अब उसको देखना पड़ेगा कि आप पता नहीं कौन सी उसके हेड की बात कर रहे हैं या ओवरऑल टोटल फंड्स की बात।